नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है, पर लोग कहाँ मानते हैं। यहाँ तक इतना अंधविश्वास है कि मरने के बाद यदि नेत्रदान कर दिया तो अगले जन्म में अंधा पैदा होंगे। संद्रू मंगेश दा क्रिया योग फाउंडेशन द्वारा कई सालों से आई प्लेज वी प्लेज मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत करीब 50 लाख आई प्लेज कर चुके सद्रु योगी राज डॉक्टर मंगेश दा ने यह प्रण लिया है कि भारत देश से एक दिन कॉर्नियल ब्लाइंड को आंखें देकर उन्हें खूबसूरत दुनिया दिखाएंगे। सदगुरु योगी राज डॉक्टर मंगेश दा के 50वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल जी ने भी सदगुरु कर इस कार्य की सराहना की।
about your friends. Today, for the first time, I give a lecture sitting down the chair. But I am getting old now. I am 87. Last year, 86. But Mangesh has not changed. I have been seeing you for like 15 years and something has happened, he has not changed at all. Am I right? Yes. I think this is because myself, Sikhi Premier Ko, myself Guru, Guruji, Minamni Dhanamka, Sikhi Guru Manta Ko, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा शब्द नहीं और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे जिस चीज़ को मुझे बहुत खोज थी बहुत सालों से वो आज जाके मेरे मेरे पूरी उम्मीद के साथ में और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कुछ मतलब सेवा का असर मिल गया मुझे तो मैं बहुत धन्य समझूंगा उसको। और संगीत तो है ही हमारा संगीत के अलावा भी और मुझे इतनी मतलब मन में बैठा हूँ यहाँ पे इतना शांति इतना अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने देखा होगा सबसे पहले मैं समय बचाने की कोशिश कर रहा था मैं क्योंकि हमारे फोटोग्राफर जो सुभाष से बहुत ही जगह इनके फ्रेम के लिए इतना समय लेते कि टेंशन आ जाती है। संदीप जी आप जो हिंदी बोलते हैं अगर दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दादा ये आपकी दी हुई वाणी आपके लिए ही प्रस्तुत हो रही है ये सब कुछ आपने ही दिया है। और डॉक्टर शिखरने जी के स्पीच के बाद जब बोलना आता है तो पांव लट पड़ते हैं। सबसे पहले आपको सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत इमोशनल कर दिया। ये 24 अक्टूबर मैं एक बात कहूंगा डॉक्टर श्रीकंठ जी ने मुझे एक सेशन में कहा था कोई शब्द कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यहां बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा हमारे मित्र ये मित्र शब्द जो है उस समय उनकी उम्र थी शायद कुछ 77 थी और वो मुझे मित्र बोल रहा है तो मेरे अगले भाषण में मैंने कहा था मैंने डिसाइपल तो बहुत क्रिएट किए लेकिन मेरे मित्र बहुत कम तैयार हुए और मुझे तलाश है मित्रों की। तो मैं उसी समय के देखा इन्होंने डायरी निकाली और अगले साल को 24 अक्टूबर के एक राउंड मारा कंफर्म। आज भी मैं कहता हूं उन्होंने सीधे जो मारी 2019 से नहीं उसके भी आगे और ये बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है कि यस कुछ दिन पहले 75 एक महिला वर्ग के 75 साल पूरे हुए मुझे चीफ बुलाया और उसमें मैंने कहा था कि ये संस्था को 100 साल जब पूरे हो जाएंगे मुझे बुलाना तो एक 80 साल की औरत बैठी तो उसने बोली हम कहां रहेंगे उस वक्त। मैंने कहा सामने ही रहेंगे मेरे हमारी सोच बहुत सही इन्होंने कहा इट्स अ केमिकल मैं बिलीव नहीं करना मैं तुम्ही काही बोला करा पर काही बोला मैं तुम्ही मम्मी जे बोलतो ना त्याला सगळं माहिती आहे काय झालं कोण आलं कुठे गेलं आणि मी एकदा काहीतरी मी तरी 4 दिवस मी मद्रासला गेलो ते मला न्यूज आली त्यांनी 4 दिवस अण्णाला टच नाही आणि तो असा फोटोकडे बघत राहिला त्याच्यानंतर मी गेलो आपल्या हरीश भाई यांना हे मला एअरपोर्टला रिसीव करायला आले 11:40 कारण त्यांचा त्याची बर्थडे होता आणि दुसऱ्या दिवशी बाईक होती त्यांनी काय विचार केला 20 मिनिटात थांबूया आणि मग ती पण आली आपली रुपा पण आली यांनी अक्षयच्या उभा राहून त्याला बाहेर नव्हता तू बाहेर झालं जा तू जा आता म्हणजे माझा डॅडी आला आज 24 अक्टूबर आज का हमारे जो कार्यक्रम है हमारे संस्था का ये 25वां संस्थापन दिन है। आज के कार्यक्रम का सबसे बड़ा महत्व हमारी जो सबसे बड़ी सोशल
एक मुहिम चल रही है जो नेत्रहीन है और ऐसे कॉर्नियल ब्लाइंड आज हमारे भारत में लगभग 33 लाख हो गए। और ये 2011 में हमने ये मुहिम शुरुआत की थी कि आई प्लेज वी प्लेज, और हमें कहने के लिए बहुत खुशी होती है कि आज हम 50 लाख तक पहुंच गए हैं और ये अभी भी सिलसिला जारी है। कम से कम 1-2 करोड़ पर जब हम पहुंच जाएंगे तभी संपूर्ण भारत से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हमेशा के लिए चला जाएगा। दूसरी बात ये कि हमारे इस योग साधना का ये 50वां साल है और देखते देखते 50 साल हो गए, अभी भी लगता है शुरुआत की है। और तीसरा महत्व का काम है कि आज इस बहाने, इस वर्धापन दिन के बहाने हमारी फाउंडेशन हमारा जन्मदिन मना रही है। तो हमारे साथ में हमारा भाग्य के बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर श्रीखंडे हमारे साथ में, ये विख्यात सर्जन है हमारे साथ में, बहुत ही प्यारे ऐसे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल जी हमारे साथ में हैं, बहुत नामचीन डॉक्टर्स, अलग अलग क्षेत्र के विविध लोग आने वाले हैं। कुछ ही समय में धनराज पिल्ले भी यहाँ पहुँच जाएंगे, तो बड़ी खुशी की बात होती है कि आई वर्धापन दिन हमारे बड़े पैगामे पे होने वाला है। धन्यवाद। आज आपण चांगलं वाटते त्याच काम असं आहे की अंधार आहे ते दिवा लावा, त्या दुसऱ्याचा दृष्टी द्या। पण मोठं काम आहे की आपण लोकांना काय देणार आहोत जेव्हा म्हणून आहे आम्ही काय मिळून आहे पैसे आम्ही काय देणार आहोत त्यावेळेस बाळ काय मोठे वाटते। तर या देशामध्ये ब्लाइंड खूप आहे, त्यांच्यावर काम करत आहे, दृष्टी लोकांना दृष्टी देत आहे सर्व अर्थानं। नहीं, बहुत सारे हैं क्योंकि अंधश्रद्धा बहुत है। पहली बात तो ये कि जब तात्याराव लहाने, डॉक्टर तात्याराव लहाने जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस आई प्लेज मैक्सिमम आई ऑपरेशंस के बारे में, लाखों की संख्या में उन्होंने किए, इन्होंने हमें कहा कि 33 लाख के कंपैरिजन में पर साल लगभग 330 या 380 खाली आई के डोनेशंस होते हैं। तो इसके लिए आप कुछ करें कि लोग नष्ट कर देंगे, क्योंकि कॉर्निया का जो लाइफ है 200 साल का है, और 200 साल उससे भी लोगों को पता नहीं कि एक कॉर्निया अगर आधा छेद दिया जाए तो दो लोग देख सकते हैं, मतलब एक इंसान दो आंखों से चार लोगों को दृष्टि दे सकते हैं। और हमारे पहला ही जो कार्यक्रम था हमारे साथ में डॉक्टर श्रीखंडे थे, हमारे साथ में गौतम राज्याध्यक्ष थे, आई थिंक अपन हम लोग 1,17,000-18,000 तक पहली ओपनिंग में हम पहुँच गए थे 2011 में। और उसके बाद में अलग अलग पूरे भारत भर में हम लोग गए, कुछ लोगों ने विरोध किया हमारा, उनको ऐसा लगा कि अगर आंखें दी तो अगले जन्म में हम अंधे बन जाएंगे। तो इस टाइप के ऐसे अपोजिशन भी हमें मिले, लेकिन कोशिश जारी रखी, अभी भी कोशिश जारी है। अभी ऐसा अच्छा हो गया कि लोग जो होते हैं जब बड़े पैगामे पे आ रहे, खुद सामने से आ रहे और हमें कह रहे, और अलग अलग क्षेत्र के लोग आगे आ रहे और खुद होके हमें, हालांकि देह के अलग अलग अंग का उपयोग सबको होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा शुरुआत है क्योंकि आई प्लेज कोई भी कर सकता है, लेकिन पूरे अंग का अगर योगदान देना है तो वो ब्रेन डेड होना चाहिए, ऐसी कोई समस्या तो इस यहाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। 6 घंटे के अंदर एक टोल फ्री नंबर से कोई भी आके अपनी आँखें ये अपना जो भी मुराद है ये पूरी कर सकते हैं। देखिए, ये अंधश्रद्धा हजारों सालों से थी, सैकड़ों सालों से थी, आज मैं कहूँगा कम होने लगी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये आने वाली यंग पीढ़ी, ये बहुत सोच समझ के, अगर आप उनको समझा सकते हैं आध्यात्म का मतलब जो है। यहाँ दो तरीके के लोग होते हैं जो गोवाबाजी करते हैं या और भी ऐसे भी टीवी चैनल पर आ जाते हैं, लेकिन इनके सामने सामाजिक कार्य जो हम लोग रखते हैं तो उनको ज़्यादा पसंद आता है और वो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते। स्वच्छता अभियान हमने लगभग 22-24 साल पहले शुरू किया था और हमने बच्चों को लिया था, इसीलिए बच्चों को लिया था कि ये बच्चे जब भी बड़े हो जाएंगे ये कम से कम रास्ते पर नहीं थूकेंगे। तो शुरुआत कहीं ना कहीं करनी है और हम आशावादी हैं। हम हमेशा बुरा क्यों सोचते हैं, हमारे हिंदुस्तान का जो संस्कृति है बहुत अच्छी संस्कृति है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और सचमुच अच्छे अच्छे लोग हमें मिले। मैं
मैं तो लोगों को यह कहना चाहूँगा कि योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने की कला है। जोड़ना मतलब सिर्फ मैं, मेरी आत्मा और या मेरा मन या मेरा शरीर नहीं है, इंसान से इंसान को जोड़ना है, समाज से समाज को जोड़ना है, धर्म से धर्म को जोड़ना है, जात से जात को जोड़ना है और अपने राष्ट्रों को बलवान करना है। हमारा राष्ट्र अगर बलवान होता है तो दूसरे राष्ट्र के ऊपर उसका असर होता है और संपूर्ण विश्व में एक दिन जरूर आएगा, विश्व शांति आ जाएगी और ये अमन आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ योग सही मायने में इसी को कहते हैं। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।